पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन ने खासा बंदोबस्त किया। ईद के मौके पर वहां भी खुशी और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय मस्जिदों में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सियासी तकरार और हंगामे के बीच घाटी बकरीद का जश्न मनाने को तैयार है। कश्मीर में बकरीद मनाई जा रही है और राज्य में लगी पाबंदियों में ढील भी दी गई है। इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि राज्य में जैश ए मोहम्मद के साथ आतंकी घुस गए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए शांति बनाए रखना और आम लोगों को महफूज रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए अलग अलग इलाकों की स्थानीय मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए इजाजत तो दे दी है, लेकिन घाटी की बड़ी मस्जिदों में संख्या ज्यादा होने की वजह से वहां पर इजाजत नहीं मिली है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 को रद्द करना राष्ट्रहित में है और इसे राजनीतिक मसलों की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय मसले की तरह देखना चाहिए। उपराष्ट्रपति 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर प्रकाशित एक किताब के विमोचन समारोह में बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया है। नायडू ने न्यायपालिका के मसले पर स्थायी समिति की सिफारिश का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पीठें अलग अलग नगरों में होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से सोमवार को मुलाकात की। वांग चिशान के साथ जयशंकर की मुलाकात काफी अहम बताई गई क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी चीन पहुंचे थे। आज सावन का आखिरी सोमवार है और भक्त भारी संख्या में भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर में बम बम बोले की जयकारों से मंदिर गूंज उठा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र दूध दही से पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए व्रत भी रखते हैं। बता दें कि 15 अगस्त को सावन महीना समाप्त हो जाएगा। देश के करीब 9 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। केरल से कर्नाटक तक और गुजरात से महाराष्ट्र तक कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। मूसलाधार बारिश की वजह से दक्षिण डूब रहा है जबकि पश्चिमी राज्यों में भी चीख पुकार मची हुई है। देश के 9 राज्यों में बाढ़ से अब तक 221 लोग जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। केरल में पिछले साल भी बाढ़ ने जानलेवा तबाही मचाई है। इस बार भी केरल में सबसे ज्यादा मौत हुई है। यहां मौत का आंकड़ा 72 पहुंच गया जबकि 58 लोग लापता हैं। मलप्पुरम में भूस्खलन से अब तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। केरल में वायनाड बाढ़ की चपेट में सबसे ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में भी मौत का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। बेलगामी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित कर्नाटक के इलाकों का हवाई दौरा किया। महाराष्ट्र में 761 गांव बाढ़ से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के चलते 200 से ज्यादा रोड और 90 ब्रिज बंद कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में 226 नौकाओं और 105 रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। अब तक 5 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। महाराष्ट्र के सांगली में सेना के जवान लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में दिन रात जुटे हुए हैं, जबकि गुजरात में नर्मदा पर बना गुरुडेश्वर बांध भर चुका है। उससे छोड़ा जा रहा पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। वहीं सूरत की सूरत भी बाढ़ ने बिगाड़ दी है। केरल और कर्नाटक के अलावा बाढ़ से उत्तराखंड में 26 और गुजरात में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी स्नेहलता का रविवार को निधन हो गया था। लंबी बीमारी के चलते स्नेहलता ने मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली।
अभय चौटाला ने बताया कि सोमवार दोपहर 3 बजे तेराखेड़ा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेजेपी ने शोक प्रकट करते हुए अगले कई दिनों तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। लंदन में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का समापन भव्य शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। तीसरे दिन और अंतिम दिन राम मंदिर साउथ पोल लंदन से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि और प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने नारियल फोड़कर किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के स्थानीय लोगों के अलावा ब्रिटिश मूल के निवासियों के साथ भी दिया। वहीं दुनिया भर के कई देशों के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं यूके के सांसदों ने भी कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के निर्णय को सराहा। ब्रिटिश संसद सदस्य बॉब ब्लैकमैन ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को पलवल के अनाज मंडी में आयोजित अखंड भारत का निर्माण अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गृह मंत्री अमित शाह की पुस्तक का विमोचन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुस्तक वितरित भी की। प्रदेश में आए दिन सरकारी अस्पताल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला पलवल से सामने आया जहां सरकारी अस्पताल में दवाइयों का टोटा है। डॉक्टर गर्भवती महिलाओं और मरीजों से दवाइयां बाहर से मंगवाई जाती है जो काफी महंगी है, जिसको लेकर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच संदीप का कहना है कि इस मामले पर प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। होटल में नगर परिषद के चेयरमैन 15 वार्ड पार्षदों में चल रही खींचतान का मामला खत्म नहीं हो रहा है, जिसमें 27 अगस्त को नगर परिषद के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना था। सभी पार्षदों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन 3 पार्षदों ने 2 अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेने से मना कर दिया। साथ ही पार्षदों ने नोटिस को रिसीव करने पर तारीख गलत डाल दी थी और नोटिस के साथ छेड़खानी भी की थी, जिसको लेकर नगर परिषद के अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनिंदर सिंह और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार मान सिंह ने तीनों पार्षदों के घरों पर चस्पा चिपका दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हाल ही में टीवी शो नच बलिए में नजर आए। शो के इस खास एपिसोड में गोविंदा ने रवीना टंडन के साथ ठुमके लगाए। किसी डिस्को में जाए गाने पर दोनों ने परफॉर्म किया। गोविंदा ने कहा कि रवीना टंडन के साथ उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। गोविंदा पिछले दिनों अपने उस बयान को लेकर सुर्खियों में थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जेम्स कैमरून की सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म अवतार में काम करने का ऑफर मिला था।